नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार आप सबों के लिए भाभा निःशुल्क शिक्षण संस्थान खगड़िया के द्वारा जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लिया गया था और ये जो है 18वीं बैच के आगाज के लिए जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लिया गया था। भाभा निःशुल्क शिक्षण संस्थान जो है सनौली दुर्गा स्थान में चलती है ये संस्था, जो कि विभिन्न प्रकार के जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है तैयारी कराते हैं। जैसे में बात करेंगे रेलवे, बैंक, SSC हो गया और डिफेंस हो गया, इसके अलावा बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, BPSC इत्यादि एग्ज़ाम, जैसे कि पारा मेडिकल, पॉलिटेक्निक के लिए जो है तैयारी कराई जाती है। तो इन्हीं के द्वारा 18वीं बैच के आगाज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लिया गया है और रिजल्ट 23 अप्रैल को दिया जाएगा शाम के 3 बजे। और बात करते हैं पूर्णांक 100 रहा था, मार्क 100, यानी कि कुल क्वेश्चन जो है 100 और मार्क भी 100 रहा था। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों का जो है आंसर क्या होने वाला है। इसरो, जिसे बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना तो हुई थी 1969 में और इनका मुख्यालय कहां पर स्थित है, बंगलुरु में। अगले प्रश्नों को देखें, नौका दौड़ का आयोजन किस त्यौहार पर किया जाता है, तो ओणम त्यौहार के आयोजन पर जो है नौका दौड़ किया जाता है, यानी ओणम पर्व के अवसर पर नौका दौड़ का जो है आयोजन किया जाता है। आगरा में ताजमहल बनवाने वाला राजा कौन था, ताजमहल कहाँ में है, तो आगरा में है। किसके यादगार में बनाया गया था, तो मुमताज महल के यादगार में, मुमताज जो कि शाहजहाँ की बीवी थी, तो शाहजहाँ के द्वारा ही बनवाया गया था। चांद किस ग्रह का उपग्रह है, चांद बोले तो चंद्रमा, तो चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो है चांद या फिर चंद्रमा। बात करेंगे बुध और शुक्र के पास जो है उपग्रह नहीं है, और बात करें अरुण और शुक्र की, तो ये जो है अन्य ग्रहों की तुलना में जो है विपरीत दिशाओं में घूमती है। अगले प्रश्नों को देखें, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, लेकिन इंडिया गेट कहाँ में है, तो यह है दिल्ली में, नई दिल्ली में। भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच। शिमला समझौता हुआ था 1972 में, भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। अगले प्रश्नों को देखें, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है, तो भारत के वो राज्य आंध्र प्रदेश हैं जहाँ पे कि श्रीहरिकोटा शहर स्थित हैं। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक जी, और इनमें कुल 10 गुरु हुए थे। दूसरे गुरु गुरु अंगद थे, चौथे गुरु रामदास, तीसरे गुरु अमरदास और अंतिम गुरु जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से सम्राट अशोक के पिता कौन हैं, तो मौर्य वंश के स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था, और इसके पुत्र जो है बिंदुसार थे और बिंदुसार के पुत्र जो है अशोक थे। अगले प्रश्नों को देखें, अकबर के राज्य में टोडरमल किस मंत्री पद पर थे, टोडरमल जो है अकबर के दरबार में राज्य में थे और ये भू राजस्व मंत्री यानी कि वित्त मंत्री के पद पर थे। भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो वित्तीय राजधानी है मुंबई में, RBI का मुख्यालय भी मुंबई में ही है। चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत ने किस देश से ग्रहण किया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण किया है। बात करें मौलिक अधिकार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद, तो ये अमेरिका के संविधान से, संघात्मक विशेषता कनाडा के संविधान से, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को
भारतीय संसद में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ऊपरी सदन को राज्यसभा और निचली सदन को जो है लोकसभा कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार में दो सदन होते हैं विभिन्न राज्यों में, तो विधानमंडल के दो सदन, विधान परिषद और विधानसभा, विधानसभा निम्न सदन और विधान परिषद जो है राज्य में उच्च सदन होते हैं। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, लेकिन इससे पहले जो हैं मूल रूप से देखा जाए तो 7 मौलिक अधिकार थे। यानी कि 7 मौलिक अधिकार में बात करेंगे तो संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के दौरान हुआ था। दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। अगले प्रश्नों को देखें। जट जटिन एवं विदेशिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा बिहार का लोक नृत्य है। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई? 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान राज्य से हुई है, और इसके बाद जो है 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश से हुई थी। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सिंह के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ में है? तो असम में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, और बात करें बांदीपुर कर्नाटक में है, और केवला देव जो है राजस्थान में है। नीति आयोग की स्थापना बात करेंगे, नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व में, जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में, और जन्म 540 ईस्वी पूर्व में महावीर का। भारत के अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बात करें तो अंतिम वायसराय एवं प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत में, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, और प्रथम वायसराय भारत के तो लॉर्ड कैनिंग। और बात करेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। बिहार दिवस के साथ कौन सा दिवस मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और विश्व जल दिवस 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 16 सितंबर ओजोन दिवस, 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। भारत के कितने राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरती है? यानी भारतीय मानक समय रेखा कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारतीय मानक समय, जो इलाहाबाद के नैनी के पास से माना गया है, और यह 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा। और भारत के 9 राज्य बात करेंगे तो 9 राज्य जो है तटीय यानी कि 9 राज्य हैं समुद्र से सटे हुए। 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। मानव शरीर में पानी की कमी को क्या कहा जाता है? अगर जल की कमी होगा तो निर्जलीकरण कहेंगे, यानी कि डिहाइड्रेशन कहेंगे। अगले प्रश्नों को देखें। सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के पथ को क्या नाम दिया गया है? तो ग्रह के पथ को ऑर्बिट कहते हैं, यानी कि कक्षा कहते हैं। यदि किसी रोगी का तापमान 40 डिग्री सी है तो फॉरेनहाइट पैमाने पर क्या होगा? डिग्री सेल्सियस में जो है 40 डिग्री है, तो फॉरेनहाइट पर हो जाएगा 104 डिग्री फॉरेनहाइट। आपको पता है कि सी बाय 5 इजकल टू एफ माइनस 32/9। सी का मान हो गया 40/5 करेंगे बराबर एफ माइनस 32/9 करेंगे, यहाँ से काटेंगे तो 8 बार में कट गएगा, 8 × 5 = 40, तो 9 × 8 = 72 + 32 जोड़ेंगे तो 104 डिग्री फॉरेनहाइट हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा। बड़ी ग्रंथि रहेगा तो हो जाएगा यकृत, 1.5 से 2 kg का जो है वजन। सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों का परिवर्णी शब्द, तो 7 रंगों में जाता है, तो जैसे आप बोलते हैं बै जा नीह पी नाला, तो बिब ग्योर जो है इन्हें इंग्लिश में संसूचित किया जाता है। सल्फ्यूरिक
अम्ल का जो है सूत्र क्या हो जाएगा, एच टू एस ओ फोर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, और एच सी एच सी एल तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। त्वचा का काला रंग किस हार्मोन के कारण से होता है, तो त्वचा का जो है काला रंग किस हार्मोन के कारण से, तो ये हो जाएगा मेलानिन के जो है कारण से होता है। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। बात करेंगे विटामिन डी का स्रोत सूर्य का प्रकाश है, ई का अंकुरित अनाज हो जाएगा, ए का गाजर हो जाएगा, ए का रासायनिक नाम जो है बात करेंगे तो रेटिनॉल, सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल और ई का हो जाएगा टोकोफेरॉल। अगले प्रश्नों को देखें, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहलाती है, तो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी जो है वायरस कहलाती है। अगले प्रश्नों को देखें, मायोपिया में किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का इस्तेमाल, और दूरदृष्टि दोष में जो दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है, तो सफ़ेद दिखता है बादलों का रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। जब किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अवतल दर्पण में जो है वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और समान प्रकार का जो है प्रतिबिंब बनेगा, अगर अनंत पर रखेगा तो फोकस पर बनेगा सूक्ष्म रूप से, और फोकस पर अगर रखेगा तो अनंत पर बनेगा तो बहुत बड़ा आकार हो जाएगा। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं लेकिन विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, भार एवं बल का जो है बीमा समान होता है, तो कितना, तो बल एवं भार का बीमा एम एल टी पर पावर माइनस टू हो जाएगा। बल का ऐसा मात्रक बात करेंगे तो न्यूटन होता है। निम्न में से कौन अदिश राशि है, दूरी हो गया अदिश राशि, और बाकी त्वरण वेग विस्थापन ये सब सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है, पिलास ताराजू चापाकल ये सब प्रथम श्रेणी का है जबकि श्रोता द्वितीय श्रेणी का है, और मनुष्य का हाथ और हल हो जाएगा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत। हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर में कौन सा ऊर्जा, तीर धनुष रहेगा, हाथ में पड़ा हुआ पत्थर रहेगा, हाथ में धनुष, तो इत्यादि सबों में जो है हाथ में उठाए गए पत्थर में तो ये स्थितिज ऊर्जा ही पाया जाता है। जब बर्फ पानी में तैरती है तो इसके आयतन का कितना भाग जल के अंदर, तो 9/10 भाग जल के अंदर रहता है और जल के बाहर 1/10 भाग रहता है। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया, तो गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया, और स्थिर अनुपात का नियम जो है जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया था। कक्षा एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होते हैं, बात करेंगे तो एम में जो है बात करेंगे के में, के एल एम ये तीसरे ग्रुप में है यानी कि तीसरा कक्षा है, तो हो जाता है 2n2। इनका फॉर्मूला क्या होता है 2n2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 × 3² तो 2 × 3² 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अगर पहला में के में पूछा जाएगा तो 2 × n² यानी कि 1² 1 करेंगे तो 2, अगर l का पूछा जाएगा तो 2 × 2² करेंगे यानी कि 2 × 4 तो हो जाएगा कितना 8, और तीसरा में 3 × 3 = 9 × 2 = 18। फ्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है, तो फ्लोरीन का जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या बात करेंगे तो ये हो जाएगा 19 हो जाएगा द्रव्यमान, क्योंकि 9 × 2 = 18, 9 तो होता है परमाणु क्रमांक ही होता है 9। अगले प्रश्नों को देखें, 288 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 288 परमाणु क्रमांक संख्या, तो 8, 8, 16, 2, 18 तो ये किसका हो जाएगा आर्गन का हो जाएगा। 88 ग्राम
CO2 में कितने मोल होंगे? 88 ग्राम CO2 में बात करेंगे तो कितने मोल CO2, सी का मान हो जाएगा 6 × 12, 6 × 12 हो जाएगा। ओ का मान 16 × 32, O2 है तो हो जाएगा यहाँ पर 32। 32 × 12 = 44। 88 में जो है 44 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 के वर्ग 1A में कौन सा तत्व है, तो ये हो जाएगा सोडियम है। अगले प्रश्नों को देखें। मेलाकाइट किसका अयस्क है? मेलाकाइट हो जाएगा तांबा का और केलेमाइन जो है जस्ता का हो जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 हैं तो वह संख्या कौन है? एक संख्या के 4 गुने से 15 कम 9 हैं, 6 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24, 24 − 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 24 − 15 करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि वह संख्या 6 है, 6 × 4 करेंगे तो 24, 24 में से 15 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिनको 12, 24, 36, 45 से अलग अलग भाग देने पर जो है प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है? 366 में अगर भाग देंगे आप 12, 24, 36, 45 से तो 6 शेष बचेगा। अगर 360 में अगर भाग देंगे 45 से तो पूर्ण रूपेण कट जाएगा हर किसी से भी, जैसे 15 × 3 = 45 हो गया, 15 × 2 = 30, 6 × 60 तो 15 × 4 = 60, 3 × 8 = 24, 8 बार में कट जाएगा, यानी कि 6 अधिक है तो शेष बच जाएगा, 6 घटा देंगे तो कट जाएगा। रामू एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, श्याम उसी कार्य को 90 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में? एक करता है 20 दिनों में और एक करता है 30 दिनों में, इनका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60। इसका कार्य क्षमता अगर देखेंगे तो 20 × 60, 30 × 60, 3 × 2 = 5 हो गया, दोनों मिला के एक दिनों में दोनों का काम जो है 5 हो जाएगा, तो 5 से भाग देंगे कितने बार में कटेगा, तो 12, तो कितने दिनों में दोनों मिल के कट देगा, 12 दिनों में कार्य कर देगा। किसी साइकिल को 792 रुपया में बेचा जाता है जिन पर कि 12% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 792 रुपया में बेचने पर 12% की हानि हो गई तो 792 भागा देंगे 88 से, क्रय मूल्य निकालना है तो ऊपर में गुणे करेंगे 100 से, 100 से 88 गुने आप 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 792, तो 9 × 100 तो 900 हो जाएगा आंसर क्रय मूल्य। ए अनुपात बी दिया है 2:3, बी अनुपात सी दिया है 4:5, तो ए और सी का अनुपात निकालने के लिए बोला जा रहा है। ए है, बी है और सी, तो ए अनुपात बी है 2:3, बी अनुपात सी है तो 4:5। अब जो है 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15, ए का मान आ गया है 8, बी का मान आ गया है 12 और सी का मान आ गया है 15। ए और सी का पूछा जा रहा है तो 8:15 जो है 15 हो जाएगा। रूट अंडर में है 12 प्लस रूट अंडर में है 164 प्लस रूट अंडर में है 25, मान निकालना है तो रूट हटाने के लिए यहाँ पर जो है 25 है तो रूट 25 में तो इसका मान हो जाएगा 5, वर्ग हटा देंगे वर्गमूल। अब जो है 164 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 169, ये भी रूट अंडर में है तो 169 किसका हो जाता है वर्ग, 13 का, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। फिर 13 × 12 कितना हो गया, 25, रूट अंडर में जो है 25 किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अगले प्रश्नों को देखें। दो संख्याओं का लॉसो है 120 और मॉसो है 10, पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो आपको पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, दूसरी संख्या x हो गया, पहली संख्या 30 हो गया, और LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो 120 गुना
दस बराबर तीस गुना एक्स, तो 30 चौके 120 हो गया, तो 4 गुने 10 करेंगे तो 40 हो जाएगा राइट आंसर, यानी दूसरी संख्या। गुणनफल दिया गया है 81 82 83 84 85, तो 85 है, उसके बाद 86 है, 85 84 86, यानी इकाई अंक में क्या होगा अगर गुने करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 4 5 20, 4 5 गुने 6 करेंगे 30, तो यानी कि 0 ही आ जाएगा इकाई अंक। 4000 रुपया पर 10% की ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 10% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, 21%। आप यहां से भी निकाल सकते हैं 4000 का 21% कितना होगा, तो ये जो है 21 चौके 84 840, यहां से भी आ सकता है, ये तो ब्याज हो गया। या नहीं तो आप एक और तरीका से जो है निकाल सकते हैं, 4000 रुपया ये मूलधन हो गया, गुना 110 बाटे 100 गुना 110 बाटे 100, अब ये मिश्र धन आएगा जो भी आएगा, अब अगर आप मिश्र धन निकालिएगा तो हो जाएगा 4840, यानी कि ये 4 शून्य है, 1 2 3 शून्य कट जाएगा, 104, तो 11 गुना 11 121 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 12 चौक 48, 4 पर 8 48 140, तो यानी 4000 मूलधन है तो 840 मेरा ब्याज हो गया और मिश्र धन हो गया 4840। दो संख्याओं का योग है 384, एक संख्या है 48, दूसरी यानी तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, पहले नंबर तो दोनों का योग है 384, 384 माइनस 48 करेंगे तो आ जाएगा मेरा दूसरा संख्या, एक पैचा लेगा 14, 14 में से 8 जाएगा 6, 37 में से 4 जाएगा तो 33, इतना आ गया दूसरी संख्या, और एक संख्या है 48, तो 48 घटाएंगे दूसरी संख्या में से 336 में से कितना आ जाएगा, एक 16 में से 8 गया तो 8, उसके बाद है 32 में से 4 गया तो कितना हो गया 28, 288, तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। रूट अंडर में है 2 पर पावर n बराबर 64, n का मान क्या होगा, रूट अंडर हटाएंगे तो n यानी कि 64 गुने 64 हो जाएगा, 2 पर पावर कितना रखेंगे तो 64 गुना 64, 2 पर पावर 12 रखेंगे तो 64 गुना 64 हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। 2x + 3y बराबर 18 है, 3x + 5y बराबर 29 दिया हुआ है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा, एक्स गुना वाई, अगर हम x का मान जो है कितना मानते हैं, 3 मानते हैं, y का मान 4 मानते हैं, 4 * 12 + 3 * 6 = 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो है 4 * 5 = 20 + 3 * 9 तो 29 हो गया, 4 * 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा x गुने y। निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, -5/7 जो है दिए गए विकल्प में सबसे छोटी है, माइनस में ये बहुत ज़्यादा है इसलिए ये सबसे छोटा हो जाएगा। 12 लड़कों की औसत आयु है 10 वर्ष, तो 12 * 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। 11 लड़कों की औसत आयु है 9 वर्ष, 11 * 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 * 99। 12वां का आयु क्या होगा, 120 माइनस करेंगे 99 तो कितना हो जाएगा, 21 वर्ष जो है 12वां का आयु हो जाएगा, तो 21 वर्ष हो जाएगा राइट आंसर ए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको 175 में से घटाने पर संख्या 13 का पूर्ण वर्ग बनता है, 13 का पूर्ण वर्ग कितना होता है, 169, 13 * 13, और 175 में से 6 घटाएंगे तो 169 हो जाएगा। श्रृंखला को पूरा करें, 3 है 17 है 45 है 87 है, अब 3 से कितना बढ़ा, 14 बढ़ा 17, और 17 से कितना बढ़ा 45, तो 28 बढ़ा, फिर 45 से कितना बढ़ा 87 हुआ तो 42 बढ़ा, अब 42 से कितना बढ़ेगा 87 में,
चौदह दुना अट्ठाईस, चौदह तिया बयालीस, चौदह चौक छप्पन, 87 × 56 जोड़ेंगे, अब की बार 56 बढ़ेगा, 14 14 बढ़ रहा है, तो 7 6 13, 8 5 13, 1 14, यानी कि 143, तो आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कूट भाषा में जो है ब्रिंजाल को लिखा गया है LAJ, यानी ब्रिंजाल को जो है इधर से उल्टा दिया गया है, तो ठीक उसी प्रकार से लेडी फिंगर को जो है इधर से आप लेडी फिंगर लिख दिए हैं, लेडी फिंगर, तो आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। टीना जो है पूरब की ओर 45 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है। यहाँ से जो है आप देखेंगे तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया नॉर्थ और इधर हो गया साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर और ये दक्षिण। अब देखें पूर्व की ओर 45 किलोमीटर गया इधर, फिर दाईं ओर मुड़ा तो दाईं ओर हो जाता है नीचे, फिर ये 65 किलोमीटर चला था दाईं ओर नीचे, फिर बाईं ओर मुड़कर अब ये नीचे है इधर, तो बाईं ओर हो जाएगा इधर 33 किलोमीटर गया। तो अब इनका जो है मुँह किधर है, तो मुँह पूर्व की ओर जा रहा है। अगले प्रश्नों को देखें। रीमा ने कही मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है। रंजीत के भाई की बहन यानी रंजीत के बहन, तो मेरी माता जो है रंजीत के बहन है, तो रंजीत मेरे मामा जी हैं और रंजीत के मामा जी मेरी माता हैं। 23 × 5 करेंगे तो 28, 23 × 5 करेंगे तो मैंने 23 × 5 = 28, 28 − 1 करेंगे तो 27, 13 × 8 है यानी 13 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 21, 21 − 1 करेंगे तो 20, ठीक उसी प्रकार से 29 × 6 है, तो 29 + 6 जोड़ेंगे तो 35, 35 से 1 घटाएंगे तो 34 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। एरिस्टोक्रेटिक से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो बी विकल्प जो है बनाया जा सकता है स्टैटिक, क्योंकि इसमें जो है क्रिएशन में ई लिखा है, सेक्रेट में ई लिखा है, फिर एरेस्ट में ई लिखा है, तो ई का प्रयोग जो है किसी इसमें किया ही नहीं गया है विकल्प में, यानी कि प्रश्न में दिया गया में। जिस प्रकार थर्मामीटर का संबंध डिग्री से है, ठीक उसी प्रकार से घड़ी का संबंध किससे है, तो देखेंगे तो थर्मामीटर से हम जो है क्या मापते हैं, ताप मापते हैं, तो किस में, तो डिग्री में। ठीक उसी प्रकार से घड़ी में हम क्या मापते हैं, तो घड़ी में हम समय देखते हैं, समय को किस में, तो घंटा में हम ना मापते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। BAYZ बराबर दिया हुआ है CDXY, तो यहाँ पर देखें बी का विपरीत जो है वाई है, ए का विपरीत जेड हो गया, सी का विपरीत एक्स, डी का विपरीत डब्लू हो गया, एफ का विपरीत यू हो गया और ई का विपरीत भी हो गया। अब आगे जो है इसी प्रकार से क्या होगा, यहाँ पर देखें तो बी के बाद जो है ए लिखा गया है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो है ई के बाद एफ के बाद ई लिखा गया है, अब जो है क्या होगा, तो ई के बाद जो है यहाँ पर सीरियली रूप से होगा, जैसे बी ए लिख दिए तो फिर सी डी लिख दिए, तो यहाँ पर जो है जी एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम विपरीत लिख दिए हैं एफ ई, यानी कि पहले एफ लिखें और फिर बाद में ई लिखें, लेकिन यहाँ पर सीरियली लिखा हो जाएगा कि जी एच, तो जी का उल्टा क्या होगा, टी हो जाएगा यहाँ पर, और एच का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एस, एच का जो है एस होता है, तो आंसर आपका हो जाएगा GHTS यानी विकल्प ए। वृक्ष में सदैव होते हैं, तो वृक्ष में जो है सदैव जड़ होते हैं, पत्ती किसी भी वृक्ष में नहीं भी रहते हैं, छाया किसी किसी वृक्ष में नहीं होते हैं, टहनी भी किसी में नहीं होते, लेकिन जड़ तो निश्चित है कि रहेगा ही। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में राजू का क्रमांक जो है शुरू से 19वां है,
बताएं कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा। 40 माइनस क्या करेंगे 19, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 21, प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा कुल विधि, यानी कि उसका जो है अंतिम से क्रमांक जो है 22 हो जाएगा, 21 प्लस 1। अगले प्रश्नों को देखें। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 12:30 हो तो इस स्थिति में ऊर्ध्वाधर दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा। अगर घड़ी में 12:30 हुआ है तो दर्पण में क्या होगा, 24 में से आप जो है 12:30 घटा दीजिएगा, 12:30, तो यहाँ पर हम 30 घटा दिए हैं तो बचा है उधर 23, 23 में से 12 जाएगा तो 11, तो 11:30 हो जाएगा राइट आंसर दर्पण का समय, प्रतिबिंब का जो है समय। यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को बादल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी। मछली रहती है कहाँ में, जल में, जल को क्या कहा गया है हरा, तो हो जाएगा हरा। अगले प्रश्नों को देखें। यदि प्लस का अर्थ होता है गुणे और घटाव का अर्थ होता है भाग, गुणा का अर्थ होता है घटा और भाग का अर्थ होता है जोड़, तो 37 + 20 - 5 × 7 / 4 इसका मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखें, प्लस का अर्थ क्या होता है गुणा, तो हम यहाँ पर जो है गुणा दे सकते हैं। फिर है 20 - 5, माइनस का अर्थ क्या पर वहाँ पर हो गया भाग, तो 20 / 5 दे देंगे। फिर उसके बाद है 5 × 7, गुणा का अर्थ घटाव है तो यहाँ पर हम घटाव दे सकते हैं। फिर है भाग का अर्थ जोड़, तो यहाँ पर हम बाद में जो है जोड़ दे सकते हैं, 7 + जोड़ है। अब देखें, 20 में भाग है 5 से, तो भाग कितने बार में कटेगा, तो 4, 37 × 4 करेंगे तो 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12 = 14 है, 148 यहाँ पर -7 + 4, तो यहाँ पर 148 + 4 करेंगे तो हो जाएगा 152, -7 करेंगे तो हो जाएगा कितना, 145। अगले प्रश्नों को देखें। ज्ञान का अर्थ होता है, यानी पढ़ना ज्ञान से संबंधित है, तो कार्य जो है अनुभव से संबंधित हो जाएगा, पढ़ने से ज्ञान होता है और कार्य करने से अनुभव होता है। फिर है कि विषम को चुने, दिए गए विकल्प में 4 है, 16 है, 36 है और 64 है। 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 64 जो है ये 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है, तो इसीलिए जो है 64 दोनों है, स्क्वायर और क्यूब, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 81 से 83 के लिए जो है प्रश्न है मोस्ट ओपोजिट, यानी कि विपरीत चुनना है, सक्सेस का विपरीत क्या हो जाएगा, फेलर हो जाएगा, सक्सेस का विपरीत फेलर। फिर है प्रमोशन का विपरीत क्या हो जाएगा, डिमोशन हो जाएगा। फिर है एपरेड का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एपरेड का विपरीत जो है वेनसेड हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। 84 से 85 प्रश्न संख्या के लिए मोस्ट नियरली जो है द सेम इन मीनिंग, सेम मीनिंग वाले को पहचानना है शब्द को, कंडक्ट का जो है सेम हो जाएगा हैंडल। फिर है अननाउन, अननाउन का सेम हो जाएगा अनफैमिलियर। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है फूल का पर्यायवाची नहीं है, फूल का पर्यायवाची गुल है, पुष्प है, सुमन है, नंदनी नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। आँखों से गिरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, आँखों से गिरना तो हो जाएगा सम्मान नष्ट होना। अगले प्रश्नों को देखें। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितना है, तो 11 हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, तो हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख जो है मूल रूप से रामचरितमानस में हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर अवेस्ता भी मिलता है, तो यहाँ पर मेरे द्वारा जो है दोनों को सही माना गया, यानी कि इसमें दोनों जो बी मारा उसको भी नंबर दिया गया और जो डी मारा उसको भी नंबर दिया गया है।
नूतन का विलोम क्या हो जाएगा, तो नूतन का विलोम पुरातन हो जाएगा। उसके बाद जो है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है 10। सर्वाधिक आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस कितने बार जीती है, तो 5 बार। चेन्नई सुपर किंग कितने बार, तो 4 बार। राजस्थान रॉयल्स तो पहला आईपीएल का खिताब जीता था। और बात करें रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु, तो अभी तक जीतने का सपना देख रहा है। वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। अगले प्रश्नों को देखें। वर्तमान समय में चर्चित व्यक्ति मनीष कश्यप जो कि जेल में है, इसका संबंध किस से है, तो संबंध जो है यूट्यूबर पत्रकार से संबंधित है मनीष कश्यप। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है, तो ये है अश्विनी वैष्णव। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति कौन बनी, तो दलित महिला राष्ट्रपति प्रथम भारत में वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू हैं, यही हैं। लेकिन प्रथम राष्ट्रपति भारत की जो थी महिला राष्ट्रपति, वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और लोकसभा के अध्यक्ष प्रथम, तो वो थी मीरा कुमार महिला में। और प्रथम प्रधानमंत्री महिला भारत की, तो ये थी इंदिरा गांधी। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल, तो ये हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, और फागु चौहान इसके पहले थे। अगले प्रश्नों को देखें। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा, तो भारत में ही होगा। अगले प्रश्नों को देखें। आईपीएल 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी, तो ये हैं सैम करन, जिन्हें कि पंजाब किंग्स ने जो है 18.5 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। अगले प्रश्न को देखें। इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये है बिहार। फिर इसके बाद देखें प्रश्न को। बिहार सरकार द्वारा कब तक जो है राज्य को पूरी तरह से एड्स से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है, बिहार सरकार के द्वारा 2030 तक में जो है पूरी तरह से एड्स से मुक्त करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। ये था आज का मुख्य विश्लेषण, जो कि भावा निःशुल्क शिक्षण संस्थान के द्वारा जो है एंट्रेंस एग्जाम्स लिया गया है। रिजल्ट 23 अप्रैल 2023 को ही दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।